हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इफेक्ट्स के बारे में, जो कि लोगों को उस ऐसे इफेक्ट देने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं आपको कुछ इफेक्ट बनाकर दिखाने वाला हूं, जो कि आप इजी तरीके से अपने जो फोटोज हैं उन पे दे सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको एक इफेक्ट देते हैं ये वाले फोटोज पे। तो हम इसके ऊपर कंट्रोल जे करके इसकी एक कॉपी बना लेंगे, एक लेयर बना लेंगे। इसके बाद ये जो फोटो है हमारा, इस फोटो पर हम जाएंगे सबसे पहले सेलेक्ट पर। सेलेक्ट पर जाने के बाद कलर रेंज पर। कलर रेंज में जाने के बाद हम यहाँ पर ये क्लिक करेंगे रेड कलर पर। रेड कलर पर क्लिक करने के बाद ओके करेंगे, और इस जगह पर जाने के बाद कंट्रोल जे कर देंगे। आप कीबोर्ड से कंट्रोल जे दबाएंगे और आपके पास एक और लेयर बन जाएगा। अब जो ये पीछे वाला लेयर है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप यहां से कलर ओवरले पर क्लिक कर देंगे, इस पे हम कलर कर देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही शानदार कलर निकल के आया है। इसमें हम अगर कोई और भी कलर देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, ये नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट है। अगर हम इसमें कोई कलर इफेक्ट देना चाहें इस तरह से, तो वो भी हम दे सकते हैं। ये देखिए, इसके साथ ही अगर आप कलर इफेक्ट देने के बाद आप चाहते हैं कि इसका भी जो कलर है, इसके ड्रेस का कलर, इसको भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं, इसमें सिंपली कंट्रोल यू दबाएंगे आप और इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, और बहुत ही शानदार लुक आ जाएगा इस पे। अगर इसके फेस पर पकड़ता है रेड कलर, या कोई भी कलर आप जैसे चूज करते हैं वो फेस पर आता है, तो आप सिंपली इरेजर टूल लेंगे और जो ऊपर वाला लेयर है इसमें से आप इसको हल्का हल्का रिमूव कर देंगे। इस तरह से इरेजर टूल लेके, ई से इरेजर टूल होता है, उसको लेकर आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो फेस से आप रिमूव कर देंगे तो वो इफेक्ट, फेस में जो लगा हुआ इफेक्ट है वो हट जाएगा इस तरह से। आप इसको फेस से रिमूव कर सकते हैं। मैं रफली कर रहा हूँ, आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए बिल्कुल रफ तरीके से कर रहा हूँ। ये देखिए, अब ये बहुत बेहतरीन कलर आ गया। सेकंड इफेक्ट हम जाएंगे, ये दूसरे फोटो पे लेता हूँ। ये भी वही फोटो है, उसकी मैंने कॉपी बना रखी है। तो इस फोटो पे हम एक और इफेक्ट देने वाले हैं, जैसे कि इसको हम एक बार कंट्रोल जे करेंगे, जो ये वाला फोटो है उसके बाद एक बार और कंट्रोल जे करेंगे, यानी कि हम दो लेयर बना लेंगे इसके। टोटल तीन लेयर हो गए, एक बैकग्राउंड लेयर है, दो अलग लेयर हैं। जो ऊपर वाला लेयर है उसको हम करेंगे ब्लैक एंड वाइट। इसमें जाएंगे लेयर स्टाइल में। लेयर स्टाइल में जाने के बाद यहाँ से हम कलर ओवरले पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास जो कलर सेलेक्ट है उसमें ओके करेंगे, और यहाँ से एक मास्क जनरेट करेंगे हम इस तरह से। मास्क जनरेट करने के बाद अभी भी कुछ नहीं हुआ तो हम इसको कंट्रोल आई कर देंगे, और हमारा जो फोटो था वो ब्लैक एंड व्हाइट से कलर वापस से हो गया है। बी टूल लेंगे, ब्रश टूल, और ब्रश टूल लेने के बाद जिस जगह पर हम पेंट करते जाएंगे उस जगह पर ब्लैक एंड व्हाइट होता जाएगा इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आप स्किन को ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं और ज्वेलरी कलर कर सकते हैं। इसका जस्ट आप अपोजिट भी कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, जैसे कि ये है। इस पे हम एक बार फिर मास्क जनरेट करेंगे। अगर आपको ये कलर चाहिए, सिर्फ इतना ही कलर चाहिए, तो एक्स दबाकर आप ये बी टूल लेकर, ब्रश टूल लेकर जिस जगह पर आप पेंट करेंगे तो ये ब्रश टूल के थ्रू ऐसा काम करेगा। जो ब्लैक एंड वाइट है वो पूरे स्क्रीन पर रहेगा, जिस जगह पर आप पेंट करेंगे उस जगह पर कलर आते जाएगा। इस तरह से आप सिर्फ ज्वेलरी अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसको इस तरह से कर सकते हैं। बस ये है कि आपको जो ब्रश है वो आप सफाई से चलाएंगे, इसको आप जूम कर लेंगे, प्रॉपर जूम करके बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से चलाएंगे, ताकि ज्वेलरी पर ही चले, आपका ब्रश इधर उधर ना जाए। इस तरह से आप इसके ज्वेलरी को निखार सकते हैं और एक अच्छा लुकअप दे सकते हैं अपने ब्राइड को या ग्रूम को इस तरह से।
ये देखिए फ्रेंड्स, जिस जगह पर आपको कलर चाहिए उस जगह पर आप ब्रश चलाएंगे और ये उस जगह पर कलर कर देगा। ये हो गया, दो तरीके से आप दो इफेक्ट हो गए। तीसरा इफेक्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे ये फोटो है इस पे हम कंट्रोल जे करेंगे। इसके बाद ये जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पास, ये कलर करेक्शन के यहाँ से काम होता है, इसमें हम सेलेक्ट करेंगे ह्यू सेचुरेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप जो ये वाला टूल है, आपको यहाँ पे हैंड दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्किन पर क्लिक करेंगे और दबा कर आप इस तरफ ड्रैग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का कुछ लुक आ गया है। इस जगह पर फिर क्लिक करता हूं मैं, इसको भी खींच देता हूं, ये देखिए कुछ ऐसा लुक आ जाएगा। आप इस तरह से भी दे सकते हैं। एक बार फिर करते हैं, ये फिर से हम लेते हैं एक और ह्यू सैचुरेशन, ये वाला टूल, और अगेन ये जो येलो है इसको हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से खत्म हो गया है और एक ऐसा लुक आ रहा है आपके पास। चौथा मैं आपको एक और दिखाने वाला हूं जो आप कर सकते हैं। मैं इनको डिलीट कर देता हूं। ये जो लेयर है आपका, ये एक लेयर कॉपी बना लेंगे आप, ताकि ओरिजिनल लेयर आपको बचा रहे। इसमें भी हम ये ह्यू सैचुरेशन पर जाएंगे और एक कलराइज कर देंगे। कलराइज करने के बाद इस तरह से आपके पास कई सारे इफेक्ट आ जाएंगे, जिस कलर में आप करना चाहते हैं बैकग्राउंड के साथ इसको मैच कर सकते हैं। इस तरह से आप कलर करना चाहें, हल्का ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहें, डार्क करना चाहें, लाइट करना चाहें, जैसा आपको इफेक्ट देना हो आप यहां से दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम चार तरह के इफेक्ट के बारे में बात किए हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से वीडियो आपके लिए लेकर आते रहूंगा मैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।